हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मसाला गपशप पर। आज की वीडियो में हम आपको कुमकुम भाग्य की एक्ट्रेस पूजा बनर्जी के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। कसौटी जिंदगी 2 और कुमकुम भाग्य जैसे टीवी शो में अहम किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस पूजा बनर्जी ने एक बेटी को जन्म दिया है। पूजा ने बच्ची को जन्म मुंबई के एक हॉस्पिटल में दिया है। अभी पिछले महीने ही एक्ट्रेस ने कुमकुम भाग्य शो को अलविदा कह दिया था। उन्होंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान शो में काम किया था। पूजा बनर्जी के भाई नील ने बताया कि बच्ची के जन्म के बाद से पूरा परिवार खुश है और हम सभी नागपुर में हैं। पूजा के साथ हॉस्पिटल में उनके पति संदीप सहजवाल और बच्ची की दादी भी मौजूद हैं। हम भी जल्द ही उनसे मिलने जाएंगे। नील ने बताया कि पिछले महीने ही हमने पूजा के साथ मिलकर जश्न का फैसला किया था। बच्ची के जन्म के बाद अब पूजा दिल्ली आ जाएगी और पूरा परिवार इस खुशी को सेलिब्रेट करेगा। पूजा बनर्जी ने अपने टेलीविजन के सफर की शुरुआत 2011 में एमटीवी रोडीज सीजन 8 से की थी, जिसमें मैं फाइनलिस्ट भी रह चुकी थी। इसके बाद उन्होंने 2012 में स्टार प्लस के शो एक दूसरे से करते हैं प्यार हम किया था। इसके बाद से वह कई शोज में नजर आ चुकी हैं, जिसमें कसौटी जिंदगी की 2, दिल ही तो है, कहने को हम सफर है, विक्रम बेताल की रहस्यमय कथा आदि शामिल है। आपको बता दें कि पूजा ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान पूरे समय शो में काम किया था। वह लगातार शो की शूटिंग कर रही थी। अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में कदम रखते ही पिछले महीने उन्होंने शो से अलविदा कह दिया। उस समय पूजा ने कहा था कि मुझे पता था कि यह दिन नजदीक आ रहा है, लेकिन मैं इस शो को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। सेट पर सभी से मिलने वाले प्यार को देखकर पूजा को बहुत अच्छा लगता था। शो के आखिरी दिन सेट पर पूजा के लिए पार्टी का आयोजन भी किया गया था, जिसकी झलक उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर भी की थी। आपको बता दें कि कुमकुम भाग्य में पूजा ने रिया मेहरा का किरदार निभाया था। इस शो में उन्होंने 3 साल तक काम किया और उनके किरदार को लोगों ने काफी पसंद भी किया था। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।